अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री भाभी जी भाभी जी भाभी जी, भावे भावे जी, 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 जी हम आ गए आ रहे आ रहे हाय दिया आ गए आप लोग जी भाभी जी हम लोग आ गए अब बताइए कहाँ चल रहे हैं रसीद हाँ। काटने सबसे पहले हमरे पड़ोसी के पास चलते हैं वो अनीता भाभी भाभी जी वो तो एक नंबर की कंजूस है हाँ। हाँ? ऐसे नहीं बोली नहीं हम हम दरअसल प्रभुजी जी का बात कर रहे हैं वो तो वो तो बहुत दिलदार आदमी है ना कैसी बात करें भाभी जी वो आदमी तो दिलदार है लेकिन उसकी जेब तो ठन गोपाल है उनका जेब ना डॉक्टर साहब दिखाने के लिए ठन गोपाल है लेकिन आप देखिएगा हम जैसे जाएंगे ना उनके पास वो खाली हाथ ना ही भेजेंगे हम जितना बोलेंगे उतना तो जरूर देंगे बात कीजिएगा भाभी जी मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं हां उसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होगी लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा हम बोले ना प्रेम जी कि वो हमको खाली हाथ ना ही भेजेंगे कम से कम पाँच हजार का तो पर्ची कटवाएंगे हम उनसे पाँच हजार तो चलिए भाभी जी चल 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 आइए 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 अब बरबूती जी बरबूती जी भाभी जी हम भी है वह लेकिन क्यों है किस लिए क्यों आया भैया भैया हम लोग आपसे चंदा लेने आए हैं चंदा किस चीज का चंदा कॉलोनी में नवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा है विभूति भैया हम लोग उसी का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो है नभवती जी कि हम बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास और कम से कम पांच हजार तो जरूर लेंगे आपसे हमने कितना दिया है तनिक बताओ तो ये पगली आपको पता है बताएती जी भैया ना पूरे इक्कीस हजार भी नहीं भाभी जी फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है अ -अ अनु से चिंदा ले सकती हैं आप मैं अनु को बुलाता हूँ अब हेलो मीनल हाँ कहा है? कब से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ <laughs> दीजिए वो हम तो सोचे थे उम्मीद किए थे कि आप पांच हजार तो देंगे ही देंगे आप तो साफ मना कर दिए भाभी जी कहीं से आ जाएंगे तो मैं जरूर दे दूंगा लेकिन फिलहाल तो मेरे पास पांच रुपए भी नहीं है भाभी जी I'm 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 really sorry I'm genuinely sorry I'm, I'm I'm sorry okay I'm sorry ठीक है <laughs> मैं न कहता था भाभी जी ये फूटी कौड़ी तक नहीं देगा हो लेकिन बात है, बहुत बड़ी बड़ी करेगा सबाल सबाल के बात कर मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं अब हाँ। अब बस 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 में झगड़ा करें प्रेम जी से जाने दीजिए हम जाते हैं हाँ। कुछ ही बड़ा भरोसा था भाभी जी का आप पर कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे भैया ये क्या किया आपने? कितनी उम्मीदें लेकर भाभी जी आपके पास आई थी और आपने क्या किया सारी उम्मीदों पर पे पानी फेर दिया अब ना लायक है कि नहीं एक सीधी साधी महिला की उम्मीद तोड़ते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें धिक्कार है धिक्कार है भैया तुम पे धिक्कार है धिक्कार हाँ। है धिक्कार की दुकान पूरे इक्कीस हजार रुपए दिए हम इक्कीस हजार आपसे तो इक्कीस रुपए भी ना निकले नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन और ये हंड्रेड भाभी जी ये होगा पूरे पिछहत्तर हजार मत सब लिख लीजिए हाँ आ, अभी कुछ लोग रह गए हैं नेताजी पुंगी लाल अभी नहीं दिए कम से कम ग्यारह हजार की पर्ची तो कटेगी उनके यहाँ ठीक आ, वो एडवोकेट सुरेंद्र ने भी नहीं दिए अभी तक कम से कम ग्यारह हजार की पर्ची तो उसकी भी कटनी चाहिए क्या बात कर रहे रहे हो हो प्रेम भाई दिन में सपने देख अरे वो सुरेंद्र जो है ना एक नंबर का भिजुआ आदमी है डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ग्यारह हजार तो बहुत दूर की बात है ग्यारह रूपए नहीं निकलेगा उनके जेब से तो फिर ऐसे का नाम ही काहे लिखे हैं हटाइए ऐसे का नाम भाभी जी माफ कीजिएगा वैसे तो आपने भी विभूति भैया का नाम बड़े शानो शौकत के साथ लिखवाया था कि कम से कम पांच हजार रूपये तो वो दे ही देंगे हाँ, उसने तो एक डेला भी नहीं दिया हाँ, हाँ। वो तो भाभी जी आपके कहने से चले गए थे उनके पास चंदा मांगने वरना हम तो उनके मुंह तक न लगे ठीक बा जिन जिन लोगों का हैसियत ना है पैसा देने का उन सब का नाम जो है हटाइए भरभूति जी का भी हैसियत नहीं है उनका भी नाम ई लस्ट से हटाइए हम ही बोल रहे हैं भाभी जी वो लस्ट नहीं लिस्ट होता। ही पकड़ा जी आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के खासी खुशी हुई अच्छा? का गलत बोले हम? बताइए हमको का गलत बोले हम क्या लगता है आपको आरती उतारे आपका हाँ कितना उम्मीद से आए रहे हम लोग आपके पास हमको तो पूरा उम्मीद था कि कम से कम पांच हजार तो आप देंगे ही देंगे पांच रुपया भी नहीं निकला आपकी जेब से शर्म आना चाहिए आपको डूब मरना चाहिए दो पैसे का औकात नहीं है आपका पता है आपको कितना मजाक उड़ाए वो लोग हमरा कितना कुछ सुनना पड़ा हमको उन लोगों के मुंह से आपकी वजह से दांत तोड़ दूंगा इनके अब किस किस का दांत तोड़ेंगे हाँ पूरा कान आपका खिल्ली उड़ाता है नल्ला नल्ला बुलाता है आपको छी आप हमारे दांत तोड़ने से पहले अपनी बेरोजगारी के दांत तोड़ हाँ। प्रेम भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं माँ साहब अब संस्कारों की बात कर रहे हैं अरे इस आदमी के जेब में फूटी कौड़ी तक तो है ही नहीं संस्कार कहाँ से लेगा ये आदमी अब काहे खड़े हैं यहाँ और कितना बेइज्जती कराएंगे अपना हम भी ना आता है सच्ची कुत्ते को भी भूख लगता है ना तो वो पूछ हिलाता है आपके मुंह से अनीता जी का कमाया हुआ खाना चला कैसे जाता है आपके मुंह में हाँ हम तो एक ठो अन्न का दाना ना ही खा सकते जब तक हम काम ना करें जाइए अब यहाँ से बस कीजिए बस कीजिए आपने बहुत मेरी बेजती कर ली भाभी जी बस आप विभूति बेजती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है तेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं <laughs> कुछ नहीं हो सकता चलिए चलिए अब फालतू तो टीम भेजना ही कीजिए और जहाँ जहाँ से पैसा आ सकता है उनका जो नाम लिखे हुए मैं आ, 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 वो पटकापुर से वो ना? उनका नाम लिखा लोटा सिंह लंगा छेड़ू यार क्यों रो रहा है तो क्यों परेशान हो रहा मुझे बता तू यार मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा है कह रहा विभूति ये तू बेकार है बेरोजगार है सी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री